नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 2020 की सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देखेंगे और ये जो अपॉइंटमेंट है यानी ये जो 2020 में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AIIB के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जिस लैंग्वेज में आपको समझना है उस लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। तो AIIB के फिर से अध्यक्ष बने हैं जेन लेकिन। दूसरा क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं परेश रावल। देखो ये जो AIIB हमने कवर किया है ना, ये क्या है, इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। थर्ड क्वेश्चन, BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं राकेश अस्थाना BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में DG बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं अवीक सरकार। PTI, देखो ये शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं वीके यादव इंडियन रेलवे बोर्ड के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिखाइल मिशुस्तीन। देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। BAFTA के अध्यक्ष कौन बने हैं? BAFTA, जिसका पूरा नाम है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, तो इसके अध्यक्ष बने हैं कृष्णनिंदु मजूमदार। लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं? न्यू सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, तो ये बने हैं उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, CBSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज आहूजा CBSE के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय पटेल। फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी है? देखो ये फीमेल है, तो ये बनी है सना मारीन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 43 ईयर्स बाद ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं मैनुअल मरेरो। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन है? ये है मैनुअल मरेरो। अब अगले की तरफ चलते हैं, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए? तो ये है सेबी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है, ये है अजय त्यागी। सेबी, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला, WWF, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड, द्वारा किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है विश्वनाथन आनंद। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। फिर से बोलता हूँ, डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला, ये नाबार्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे स्थायी आएगा, यह आप याद रखिएगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है WTO में, ये होगा क्वेश्चन। तो ये है ब्रजेंद्र नवनीत। देखो अगर हिंदी में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश में देख लीजिए आप, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। ब्रजेंद्र नवनीत, जिनको WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। मॉरिशियस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं पृथ्वीराज सिंह रोपन मॉरिशियस के नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं। UPSC के चेयरमैन कौन बने हैं? UPSC, जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो IAS IPS जो एग्जाम होते हैं ना, इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो इसी के द्वारा ली जाती है, इसी बॉडी के द्वारा। तो इसके चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी, जो UPSC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बोलते हैं। तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। देखो ये जो कैग है ना, अच्छा ये बताइए इस कैग का संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र है? तो संविधान का जो आर्टिकल 148 है इसके बारे में जिक्र है, मतलब संविधान के आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया है अच्छी तरीके से। तो ये थी हमारी अपॉइंटमेंट 2020 की जो इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।